दोस्तों आज आपको लेकर चलता हूँ नई क्लास की ओर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा डायल बोर गैस कौन सा गैस है, डायल बोर गैस बहुत ही काम का गैस है, याद रखना। तो ये जो डायल बोर गैस है इसका अगर जिक्र करते हैं तो ये क्या काम आएगा, आपके किस तरह से कार्य करता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले डायल बोर गैस का डायग्राम अगर फोकस करते हैं तो कैसा, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था डायल टेस्ट इंडिकेटर, और डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, डायल जांच सूचक जो होता है सेम वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें अंतर इतना सा होता है कि इसमें एक एक्सटेंशन रोड और लगा देते हैं, जबकि वहाँ एक्सटेंशन रोड ना लगा करके उसी की सहायता से अपन समतलता चेक कर लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अलग है। देखिएगा मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बनाता हूँ, तो ये लीजिएगा एक तो डायग्राम, ये डायल गेज आ गया, ठीक है। देखिएगा ये डायल गेज है, और इस डायल गेज में मैं यहाँ एक नीडिल लगाता हूँ बड़ी वाली, ठीक है, और एक यहाँ पर भी छोटा होता है, तो यहाँ पर ये छोटी नीडिल, ठीक है। अब आप समझ सकते हो यहाँ जो जो इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है, जिस ग्रेजुएशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वो देख रहा कि ग्रेजुएशन कौन कौन सी बनी होती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ ग्रेजुएशन में तो वही सेम, अब उसमें क्या था, यहाँ जीरो था, क्या था जीरो, तो इसके बाद इधर एक दो तीन चार और ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर पांचवी बड़ी थोड़ी, फिर एक दो तीन चार और पांचवी, फिर ये बड़ी, फिर एक दो तीन, यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है, फिर एक दो तीन चार और ये पांचवी बड़ी, एक दो तीन चार ये पांचवी बड़ी, एक दो तीन चार और ये पांचवी बड़ी, एक दो तीन चार ये पांचवी बड़ी, इस टाइप से जो होता है सेम यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांचवी बड़ी, एक दो तीन चार ये पांचवी बड़ी, एक दो तीन चार ये पांचवी बड़ी, इस तरह से अपन को क्लियर करना होगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ सेम स्टेप यही रहेगी जो आप देख रहे हो ना, सेम ये की यही स्टेप रहेगी, एक दो तीन चार पांचवी बड़ी, तो इस टाइप की स्टेप रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आता तो यहाँ एक आया तो यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ दो आएगा तो यहाँ पर भी जो है आपके ये इस स्टेप में यहाँ पर भी क्या आएगा, दो आएगा। तो ये चीज आपके इसमें तो इस तरह से होता, तो दोनों तरफ ग्रेजुएशन लिखी होती है सेम कंडीशन, दोनों तरफ ग्रेजुएशन लिखी होती है सेम कंडीशन में। अंतर क्या होता है, यहाँ आपको पता ही है यहाँ पर क्या रहेगा, बोलो, ठीक है, बजल, क्या रहेगा बजल, और यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं तो एक लॉक नट होता है, क्या होता है, लॉक नट, ये आपके लॉक नट रहेगा जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अपने यहाँ लॉक नट, और लॉक नट का अगर जिक्र करते हैं तो समझ लेना ये लॉक नट रहेगा। तो इस टाइप से जो कंडीशन मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताई थी सेम इक्वल रहेगा, अंतर क्या है ये चीज स्पष्ट कीजिएगा, दोनों में किस चीज का अंतर है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी और किसी चीज का कोई अंतर नहीं है, यहाँ देखिएगा ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें पिछला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें इतना सा कहें, ये भी वहां पर था, यहाँ जो ये रोड बनाई है इस रोड के साथ में जुड़ा रहता है एक और चीज, क्या, ये तो यहाँ तक का आपका हो गया, इसके साथ में यहाँ पर ही एक जोड़ दिया जाता है इस तरह से, जो एक्सटेंशन रोड, क्या जोड़ते हैं, एक्सटेंशन रोड, और एक्सटेंशन रोड जो होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। अब एक्सटेंशन रोड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर देखिएगा ये एक्सटेंशन रोड है, ठीक है, ये एक्सटेंशन रोड है। अब आप देख सकते हो यहाँ, यहाँ इधर देखिएगा ये जो एक्सटेंशन रोड है इसमें, यहाँ से अगर बात करता हूँ तो इधर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो इधर तो यहाँ पर इसमें क्या रहता है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें लॉक नट लगा रहता, क्या लगा रहता, लॉक नट, जिसको घुमाया लॉक किया लॉक्ड हो जाएगा। ये जो है इसके अंदर जो होती है ये इसमें कम ज्यादा हो जाती है स्लाइड की सहायता से, तो ये पिक्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरह की जो रहती है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन रोड, क्या होता है, एक्सटेंशन रोड। यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सटेंशन जो रोड है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसी स्टेप होगी, इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपके होगा लॉक नट, क्या होगा, लॉक नट, और लॉक नट के बाद अगर यहाँ पर बात आती तो यहाँ बजल आ जाती, क्या आती, बजल, ठीक है। इसके बाद आती तो यहाँ यही फ्रेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं कवर या फिर फ्रेम, फ्रेम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आपके बीम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीम, बीम वाला भाग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो ये छोटी नीडल क्या आती है ना, स्मॉल, स्मॉल नीडल,
स्मॉल मीडियम। इसके बाद बात आता तो यहाँ ये इसका फेस आ जाता, क्या आ जाता फेस। यहां अगर बात करते हैं तो बिग नीडल, बिग नीडल, नीडल का मतलब सुई, ठीक है। ये चीज आपकी होती है, इसमें यहां पर लिखी रहती है ग्रेजुएशन, क्या ग्रेजुएशन मतलब स्केल बोल सकते हो आप, ये स्केल होता है इसका। तो इस तरह की सारी स्टेप आप देख सकते हो, ये है एक्सटेंशन रोड। कौन सी है जो नई चीज जोड़ी है अपने, ये जोड़ी है एक्सटेंशन रोड जो मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दी। अब यहां पर जो ये चीज है तो ये तो इसका मतलब इसकी संरचना और कार्यप्रणाली लगभग क्या रहेगी, डायजेस्ट इंडिकेटर के जैसे संरचना और कार्यप्रणाली का अगर जिक्र करें तो किसके समान रहेगी, जैसे डायजेस्ट इंडिकेटर वैसे वैसे रहेगी इसकी सारी संरचना और कार्यप्रणाली। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वैसे ही वर्क करेगा, वैसे वर्क करेगा तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, फिर क्वेश्चन बनते हैं तो आ जाइए मेरे साथ। चलिए आते हैं तो सबसे पहले इसमें कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो है आपको यहाँ पर कि ये क्या चीज है। आपसे पूछा जाता है कि डायल बोर गेज जो है क्या है, पहला क्वेश्चन। तो आपको आंसर देना, ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है यह है एक, यह एक प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र, यूं ना बताना आपको यहाँ पर क्या है। तो क्या है का जवाब आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी मापी यंत्र है, ठीक है। तो यहां यह चीज क्लियर होगी, तो प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है। डायरेक्ट कौन सा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष का मतलब तो डायरेक्ट मेजर। अब इसमें दूसरे नंबर का बिंदु, तो ये जो वर्क करता है वो कैसे करेगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, तो कार्य प्रणाली और संरचना किसके समान होती है लगभग, तो यहां पर बात करते हैं तो देखिए कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली और एवं संरचना किसके समान कार्य, कार्य प्रणाली कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर अपना आता है डायल गेज के जैसे, डायल टेस्ट इंडिकेटर था ना उसको डायल गेज बोलते हैं, तो डायल गेज के जैसे। इसमें भी तो ये लिखा केवल क्या अंतर आया इसमें बोर वाला, बाकी तो वही है डायल गेज। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कैसी होती है संरचना और कार्य प्रणाली, अर्थात यूं समझेगा कि ये किस पर सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका। तो सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत कौन सा होगा, क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, तो सिद्धांत होगा दो, यहाँ पर बात ध्यान रखना सिद्धांत क्या होगा, दो प्रकार का होगा। दो प्रकार का मतलब एक तो होता है मैकेनिकल लीवरेज और एक होता है उसी को ही बोलते हैं अपन क्या होता है रेक एंड पिनियन की तरह। तो यह समझेगा रेक एवं पिनियन, पिनियन के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर, या इसी को ही बोल सकते हैं अपन यहाँ पर यह चीज करके, यहाँ पर ही इसको बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, यूं बोलते मैकेनिकल लिवरेज, मैकेनिकल लिवरेज के सिद्धांत, ठीक है। तो दो प्रकार की कंडीशन आपके सामने होगी, तो इस तरह से जो कंडीशन आप क्लियर समझ सकते हो कि कैसी है, तो सिद्धांत भी क्लियर हो गया। अब आप चाहोगे कि सर आगे क्या होगा, तो आगे देखिएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी क्रम में। तो ये सिद्धांत हो गया, क्या है संरचना होगी, कार्य प्रणाली होगी। अब इसमें एक और चीज है, इसका मेटल, अगर मेटल का जिक्र करूंगी किस धातु का बना होता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं। वैसे ज्यादातर पार्ट्स क्रोमियम स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर या तो निकिल क्रोमियम स्टील या फिर क्रोमियम स्टील, निकिल, क्योंकि सूक्ष्म मापी यंत्रों का आप विशेष तौर से ध्यान रखना निकिल क्रोमियम स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है, निकिल क्रोमियम इस्पात ज्यादातर पार्ट्स। वैसे तो इसकी बॉडी जो है ये फ्रेम जो होता है स्टील का भी बना हो सकता है और इसकी प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। देखिएगा आजकल जो प्लास्टिक के बनने लगे, और ये जो है कांच होता ग्लास होता तो ग्लास भी हो सकता है या फिर फाइबर भी हो सकता है या फिर इसको बोल सकते हैं तो अपन प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक, पारदर्शी प्लास्टिक। तो निकिल क्रोमियम इस्पात या फिर क्रोमियम इस्पात या क्रोमियम स्टील, ठीक है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा ये चीजें, ज्यादातर पार्ट्स वैसे अलग 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 होता है लेकिन ज्यादातर पार्ट्स का मैंने यहाँ पर आपको समझाया। अब धातु का जिक्र आ गया, तो इसके बाद क्या आता है, चलिए आगे धातु के बाद क्या आता है, इसकी लिस्ट काउंट क्या आती है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब होता है यहाँ अल्पतम माप, क्या होता है अल्पतम माप, जिसको बोलते हैं यहाँ लिस्ट काउंट, क्या बोलते हैं लिस्ट
लिस्ट काउंट, ठीक है, ये होता आपका अल्पमाप। अब अल्पमाप क्या होती है, देखिएगा यहाँ पर जो होती है वो अल्पमाप होती है 0.01 mm, ठीक है। कौन सी पद्धति में है ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिएगा ये मीट्रिक पद्धति में, और यही चीज अगर बात करते हैं तो 0.001 इंच कौन सी पद्धति में है, ब्रिटिश पद्धति में, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट का भी क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, क्या लिस्ट काउंट होगी कैसे होगी, ठीक है, भाग सारे के सारे यही थी। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन बनी होती तो ग्रेजुएशन दोनों तरफ होती क्लोपाइज इंटरेस्ट, ठीक है। अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन की किसकी, ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करते हैं किसकी, ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन का अगर जिक्र करते हैं तो इसमें दो प्रकार की होती है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, किसमें, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अर्थात यूं हो सकता है कि यहां वामावर्त व दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त एंड वामावर्त, इसका मतलब है घड़ी की दिशा घड़ी के विपरीत, ये घड़ी के क्या है, विपरीत बोलते हैं इसको, घड़ी के क्या बोलते हैं, विपरीत, और ये घड़ी घड़ी के समान, ठीक है। तो ये घड़ी के क्या होगा, समान कंडीशन आ जाएगा, और घड़ी के क्या आ जाता, विपरीत आ जाता, तो दोनों समझ सकते हो। तो विपरीत दिशा घड़ी के, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये देखिएगा यहाँ पर इधर और इधर, एक यहाँ तो एक यहाँ, दो यहाँ तो दो यहाँ, तीन यहाँ तो तीन यहाँ, चार यहाँ तो चार यहाँ, इस टाइप से जो कंडीशन होगी वो समान होगी, इक्वल होगी, ग्रेजुएशन की जो कंडीशन है आप समझ सकते हो। तो यहाँ मैं छोटी छोटी इनको क्लास नोट्स बनाना, आप क्या बनाओ, क्लास नोट्स, पढ़ाने नहीं कोई भी पढ़ा लेता, आप देख मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्लास नोट सिस्टमेटिक ढंग से मिले वो बेहतर होगा आपके लिए, वो ज्यादा लाभदायक है, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से आपको इक्वल करना है, कंडीशन समझना है कि किस तरह से एक एक चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ग्रेजुएशन कौन सी होती है, तो वह कौन सा यंत्र जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों 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 दिशाओं में ग्रेजुएशन अंकित होती है समान रूप से, तो वह बताइए आप। तो आपको बताना था यहाँ डायल बोर गेज, कौन सा, डायल बोर गेज। अब आता है यहाँ पर इसका यूज क्या आता है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका उपयोग बात करते हैं, तो यूज क्या होगा, अगर यहाँ ध्यान देते हैं कि यूज इसका होगा क्या, तो यूज में ध्यान देने की बात आपको, इसका जो यूज होगा एक्चुअल में, यहाँ पर भी कोई बोर लिया, क्या लिया, देखिएगा यहाँ कोई भी जो भी ले लिया, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो यहाँ ऐसा है कि ये कोई सिलेंडर लेता हूँ, राइट, है ना, ये सिलेंडर लिया, ठीक है, ये सिलेंडर, राइट, इस सिलेंडर का अंदरूनी आंतरिक मेजरमेंट है ना, यहाँ पर आंतरिक जो ग्रेजुएशन है उसको सूक्ष्मता में मापने के लिए कितना 0.01 mm में मापने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज में आप समझ सकते हो कि कितना इसका सूक्ष्मता माप सकता है, 0.0 या फिर कितना, यहाँ पर बाल की भी खल निकाल दे, बाल की भी खल निकाल दे, वो किया जाता है इससे। तो लिखिए किसी भी जॉब की अंदरूनी अंदरूनी डायमेंशनों किसी भी जॉब की अंदरूनी डायमेंशनों की सूक्ष्मता में माप लेने हेतु मैं ये चीजें ऐसे क्यों बनाता हूँ सिस्टमेटिक, इससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि इसका वजह है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होते हैं, आजकल वही नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव मामला है टोटल, क्योंकि आपके आईटीआई में भी ऑब्जेक्टिव आता है, कंपटीशन में जाओ तो वहाँ ऑब्जेक्टिव, चाहे डीआरडीओ दो, भेल दो, सेल दो, इसरो दो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दो, अब सबका ऑनलाइन हो गया, आईटीआई भी ऑनलाइन हो गया, तो वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया, तो दोनों कंडीशन जब ऑनलाइन है और दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्टिव हुआ, तो क्यों नहीं अपने ऐसा काम करे कि दोनों का हो, एक ही क्यों हो, सिंगल ही क्यों हो, कोई भी, आपको ध्यान रखना पूरी की पूरी आईटीआई में जो भी होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है याद होगा और उसी से पास होकर आपको रिजल्ट देना होता है। तो ये कंडीशन, तो अंदरूनी डायमेंशनों की सूक्ष्मता में माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये यूज है, क्या है इसका यूज, उपयोग, अंदरूनी डायमेंशनों की सूक्ष्मता में, किसमें, सूक्ष्मता में माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायल गेज, किसका प्रयोग करते हैं, डायल गेज। और डायल गेज में अलग क्या होता है, अलग जो होता है वो
अंतर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर किसमें दोनों में जो अंतर होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर और डायल गेज रिंग, किसमें एक्सटेंशन रोड का क्या होता है, एक्सटेंशन रोड। अगर बात करते हैं तो अलग जो चीज है, मैं देखिएगा यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, अलग अगर कोई चीज है दोनों में अंतर में किसमें, तो वो है एक्सटेंशन रोड। किसका? तो एक्सटेंशन रोड की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंशन रोड, ये जो रोड होती है वो अलग अलग साइज की होती है। क्या? ये जो रोड होती है ना ये अलग अलग साइज की होती है। अलग अलग साइज मतलब जैसे कितनी, आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो, यहाँ पर जो साइज है जो अलग अलग निर्दिष्ट कर रहे थे और उसी के आधार पर अपन यहाँ पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 6 से लेकर कितना 10 mm, ऑल डायमेंशन आयम 6 से 10 mm, ठीक है 6 से 10 mm, और 10 से क्या बात करते हैं 10 से 18.5 mm, ठीक है। मैं यहाँ पर और mm नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि mm में है, तो mm में ही है। इसके बाद 18 से 35 mm, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख रहे हो आप, सीक्वेंस में लिखता जा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर वही चीज है, अब 35 से कितना आता है यहाँ पर, 35 से कितना आता है यहाँ पर देखिएगा 60, 35 से 60 mm, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कीजिए, 35 से कितना 60 mm, इसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए अगला स्टेप बदल जाती है, यहाँ तक तो 60 था, अब 60 से क्या आता है देखिएगा यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर अब उल्टा आ जाता है यहाँ 60, तो 50 से कितना आ जाता आप सीधा 50 से 100। अब देखो यहाँ पर जबकि 60 आ गया था लेकिन उसके बाद वापस कितना लिखा है 50, तो 50 से कितना आ गया 100। अब इसके बाद में जो है 50 से दो स्टेप हो जाती है, 50 से देखिएगा 50 से 100 या 50 से 150, दो स्टेप है यहाँ, 50 से 100 भी हो सकता है 50 से 150, दो कंडीशन हो जाती है। इसके बाद आता है अपने यहाँ पर देखिएगा 100 से 160, ठीक है एमएम में, किसमें 160, 100 से 160, और 160 से अगर बात करता हूं तो 160, ठीक है, से लेकर के अगर बात करते हैं तो 250, कितना 160 से अगर बात करता हूं तो 160 से कितना 250, और 250 से बात करते हैं तो अधिकतम कितना हो जाता 250 से और 400 अधिकतम। अब लिख सकते हो यहाँ mm, तो all के लिए कॉमन लिख दिया मैंने। अब आप आपको कहे कि यहाँ पर कम से कम कितना, तो कम से कम आपको ध्यान रखना ये वाला, अधिकतम कितना है तो ये वाला, दोनों चीजों को क्लियर करना है, अर्थात न्यूनतम जो है 6 से लेकर 10 और अधिकतम जो होती है क्या होती है यहाँ पर देखिएगा 250 से 400 mm, क्या होती है 400 mm, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ये आपको क्लियर करना होगा। इस तरह से ये डायमेंशन का अंतर होता है, मेजरली जो अंतर देखने को मिलता वो यही मिलता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो क्लियर हो रही है आपको, तो इसको देखिएगा एक बार फिर से मैं आपको याद कराता हूँ, समझिएगा। इसमें कैसा होता है डायल गेज और डायल, इसमें केवल किसका अंतर है बोर का, बोर के अंतर्गत इसका मतलब डायल गेज और डायल बोर में कुछ भी अंतर नहीं होता, केवल किसका अंतर होता है एक्सटेंशन रोड का, किसका अंतर होता है एक्सटेंशन रोड, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात है यह लॉक नट होता है जो कि इसकी रीडिंग को लॉक करने के लिए प्रयोग में आ जाता है, यहाँ पर भी होता है एक लॉक नट, क्या होता है लॉक नट यहाँ पर भी होता है, ध्यान रखना इसको लॉक करने के लिए, फिर रीडिंग लेते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल निडिल आती है और यहाँ पर फ्रेम आ जाता है, ये इसको बोलते हैं फेस वाला भाग, ये आपकी बिग निडिल आ जाती है, ये स्केल आ जाता है, ये बीम आ जाता है और ये एक्सटेंशन रोड आ जाती है, ध्यान रखना अरे लॉक नट आ जाता। तो ये सारी तो इसकी संरचना है जो देख रहे हो आप यहाँ पर। अब बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है डायल बोर गेज क्या है, तो एक प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है, एक प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है। अब बात करते हैं तो इसका कार्यप्रणाली क्या होती है, संरचना कैसी होती है, तो डायल गेज के जैसे अर्थात डायल टेस्ट इंडिकेटर के जैसे होती है। बात करते हैं सिद्धांत की, तो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर किस प्रकार करता है रैक और पिनियन, और रैक और पिनियन आपको मैंने बताया था कि ये तो रैक होती है, इसमें क्या होती है ऐसी तो रैक बनी होती है, मान लीजिए ये समझिएगा आप ये रैक क्या है और इस रैक में ये आपके यहां पर क्या बने हुए हैं ये रो, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये पिनियन है जिसमें आपके यहां पर ये पिनियन मतलब ये बेयरिंग, अब ये इस पर चलता है तो चलता है, तो यही सिद्धांत रैक और पिनियन का कहलाता है। ये तो आपके कला है पिनियन, क्या कला है पिनियन, मैंने आपको इससे पिछले में बताया था, और ये आपके कला है रैक, क्या कला है, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर इसकी इंटरनली संरचना देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, तो ये उसी पर कार्य करता है।
तो अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो ध्यान दो ये चीज क्लियर करो कि फिर रेक और पिनियन क्या होता है। तो रेक, रेक का मतलब यहाँ पर ये पिनियन बन गया, रेक बन गया, इस पे चलता है, तो इंटरनली संरचना में आता, किसकी आंतरिक संरचना में आता। तो दोस्तों वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ अगर बात करते हैं धातु की, निकिल क्रोमियम स्टील या क्रोमियम स्टील बना होता, लेकिन इसके ज्यादातर पार्ट्स बने होते हैं, सारे पार्ट्स निकिल क्रोमियम स्टील या क्रोमियम स्टील के नहीं बने होते हैं। परंतु ध्यान रखना जितने भी सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं ज्यादातर उनके भाग इसी के बने होते हैं, कारण ये जंगरोधी होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, कि लंबा जीवन काल होता, इसी के लिए इनके बनाए जाते हैं और सूक्ष्म के लिए प्रयोग में यही लाए जाते हैं। याद रखना आगे, तो धातु का क्लियर हो गया। इसके बाद अल्पतम माप, किसी भी मापी यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी छोटी या कम से कम अर्थात न्यूनतम मापी अल्पतम माप कहलाती है। यह डेफिनेशन मैंने सबसे पहले वीडियो में बनाई, याद होगा आपको। तो बात करते हैं, तो 0.001 mm में किसमें मीट्रिक पद्धति में और 0.001 इंच ब्रिटिश पद्धति में, ये इसकी लिस्ट काउंट होती है। अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन दो तरह से अंकित होती है, इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर सेम रूप से एक दो, तो एक दो इस तरह से जो है ग्रेजुएशन अंकित होती है, वामावर्त तो दक्षिणावर्त, घड़ी के ऊपर तो घड़ी की दिशा में, इस तरह से जो है अंकित होती है सेम। यह हो जाता किसी भी जॉब की अंदरूनी डायमेंशनों की सूक्ष्मता में माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। और अलग क्या होता दोनों में, किसमें एक तो डायल गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल गेज और डायल बोर गेज में अंतर क्या होता, तो मोस्टली अंतर होता है एक्सटेंशन रॉड का, जो कि अलग अलग साइज में अंकित होती है, 6 से लेकर 10 mm, 10 से लेकर 18.5, 18 से लेकर 35 mm, 35 से लेकर 60 mm और 60 से लेकर 50 से लेकर 100 mm। यहाँ बदल गया रूप, यह तो आप कंटिन्यू सुनते जाए 50 से लेकर 100 mm और यहाँ 50 से 150 mm, ये अलग अलग एक्सटेंशन रॉड प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ 100 से लेकर 160 mm, ठीक है। इसके बाद करते हैं तो 160 से लेकर 250 mm, 250 से लेकर 400 mm, ये मैक्सिमम होती है, क्या होती है मैक्सिमम, और ये मिनिमम होती है, क्या होती है मिनिमम। तो दोनों में आपको अंतर समझना होगा कि मिनिमम कौन सी होती है, मैक्सिमम कौन सी होती है, इस तरह की कंडीशन क्लियर होनी ही चाहिए। अब आपके यूँ करो कि सर जो है सभी जितने भी औजार है, टूल्स है, इन सब के न्यूमेरिकल में बताओ तो बताऊंगा, लेकिन मैंने जो एग्जाम में आ सके प्रेजेंट है उनका बताया। जैसे माइक्रोमीटर की मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में दोनों में लिस्ट काउंट निकालना आपको सिखाया है और उनसे कैसे न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं इस पर भी मैंने बताया है। इसके अलावा जो है वर्नियर कैलिपर का भी मैंने यही किया कि उनका भी जो है सारा का सारा डिटेल में ये बताया कि आपके किस तरह से लिस्ट काउंट निकाली जाती है। और उनसे ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आप कहते हो सर सभी की होना चाहिए न्यूमेरिकल, तो किसी का भी कुछ भी आ सकता है, तो मैं आपके साथ में हूँ, आपकी बात से सहमत भी हूँ, किसी में से कुछ भी कहाँ से भी आ सकता है। इसलिए आपको और हमें क्या करना होगा, मिल करके चलना होगा। तो क्या होगा कि लास्ट में मैं जितने भी थ्योरी के अंतर्गत न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे ड्रिल मशीन की हो, चाहे लेथ मशीन की स्पीड निकालने वाले हो, ठीक है, या कटिंग स्पीड जो ज्ञात करते हैं वो हो, या फिर अपने माइक्रोमीटर के वर्नियर कैलिपर के, या फिर अपने डायल गेज के, डायल बोर गेज के, या जो भी आते हैं अपने, उन सभी को, उन सभी के न्यूमेरिकल जितने भी आपके थ्योरी के अंतर्गत जो आते हैं, उन सभी का लास्ट में लिखूंगा कि न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल पर डे। तो पर डे आपको 2-3 जगह कोर्स पूरा होने के बाद, आप 1 साल तक मेरे से जुड़े रहोगे, ये थोड़ी कि भाई आप 1 साल के बाद ही जो कोर्स देते और आप हम फिर हो गए, नहीं, 1 साल तक जुड़े रहे। तो इस पीरियड में मैं कोर्स पूरा कराने के बावजूद क्या करूँगा, आपको भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वो आपको कवर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा वो कोर्स तो मैं तरीके से सुव्यवस्थित अभी करा रहा हूँ, इसको तो कवर कर ही लेना है, लेकिन आपको चाहिए कि कुछ ज्यादा कुछ और मिले, तो उसके लिए मैं न्यूमेरिकल और दूंगा, कुछ पेपर और कराऊंगा, वो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो इसी के साथ ऐड रहेगा, आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही ने इससे लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन पहले एक काम करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया है यहाँ पर, देखिएगा। ये आपको मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, एक बार तो जो है ITI में पूछा गया है, किसमें ITI में, यही क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, ITI का भी पूछा गया है 2018 में पूछा गया। एक बात और बताता हूँ, एक और क्वेश्चन जो, यही क्वेश्चन जो है अपने DMRC में पूछा गया, DMRC में, ठीक है, 2017 का पेपर था, उसमें आया था। एक बात बताऊँ आपको, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आया था, तो यहाँ पर देखिएगा, यूँ पूछा था डायल गेज, डायल बोर गेज, ठीक है। तो यहाँ यूँ था कि डायल बोर गेज में यदि उपयोगिता से ऐसी लैंग्वेज आई थी, इससे पहले शून्य त्रुटि
त्रुटि जांच करना हो, जांच करने हेतु हेतु किसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात बताऊं आपको, तो ये क्वेश्चन तो है लेकिन ऑप्शन क्या रहेगा इस पर भी ध्यान देना है। तो देखिएगा दो तरह की कंडीशन बनती है यहां इसमें ऑप्शन में। पहला ऑप्शन ये रहा सेटिंग रिंग, दूसरा ऑप्शन सेटिंग फिक्सर, और तीसरा ऑप्शन है यहां पर पहला सेटिंग रिंग, दूसरा सेटिंग फिक्सर, और तीसरा एक और है जिसका अपन यहां पर जिक्र कर सकते हैं, वो है स्लिप गेज। क्या है स्लिप गेज? अब आप बताइए लास्ट में था यहां पर उपरोक्त सभी, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो उपरोक्त सभी, तो एक एक चीज को आप क्लियर कीजिएगा, समझिएगा और यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सेटिंग रिंग जो होती है वो प्रयोग में ले सकते हैं, इसके बाद सेटिंग फिक्सर के साथ ही अपन यहाँ पर स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या था, स्लिप गेज, क्या था स्लिप गेज में। तो इसका मतलब ये भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ये भी लाता है, ये भी लाता है, ये भी लाता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाता है। क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाता है। तो उम्मीद है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपको समझ में आ रहा ना, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को 10-10 फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इसको भेज दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि इस वीडियो का सभी इस आपके साथी मित्र गरीब जन जो स्टूडेंट है क्या ये अच्छे वाले, जिन सभी को भेज दीजिए, सब लोग इसका लाभ उठा सके। इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हो ना। तो आप और हम दोनों मिलकर के लगेंगे तो यकीन के साथ अपन सक्सेस होंगे, सफल होंगे और मिशन कामयाब की ओर जाकर चलेंगे। आपको जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखनी कि असफलताओं से कभी नहीं घबराना है। कभी रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव अगर आ भी जाता है तो उससे कभी भी जिंदगी में आपको होपलेस या हताशहीन होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए आपकी भी कभी हार नहीं होगी, बस आप जुड़े रहेगा मेरे साथ में। और अगर आपसे मेरे से बढ़िया वाला पढ़ाने वाला मिले तो वहाँ भी जुड़िए, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से भी लिया जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, और वहाँ से पढ़िएगा, सब जगह से पढ़ सकते हो। बस ये है कि आपको अपने लक्ष्य तक कौन पहुँचा दे उसको चूज करना आपका रहेगा, कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं, ये सिलेक्शन आप पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है ये सब बातों के साथ अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।